ये पवित्र ध्वनि मायापुर इस्कॉन की उत्पत्ति से जुड़ी है। इस संदर्भ में हमें प्राचीन और आध्यात्मिक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलना चाहिए। यह मंत्र हिंदू धर्म की आध्यात्मिक धारणा को संकेतित करता है। इस्कॉन मायापुर के मंदिर में इस ध्वनि की गहराई और महिमा का अनुभव होता है। यहाँ कृष्ण भक्ति और आत्मिक उन्नति की यात्रा शुरू होती है। यह मंत्र इस्कॉन की मूल उत्पत्ति से जुड़ा है। मायापुर में इस मंत्र की महिमा और शक्ति का अनुभव करें, जहां हम सबको इस आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएंगे। मायापुर के सुंदर समय ग्रहण में लोग उत्साहपूर्ण गाने के साथ आपस में नृत्य कर रहे हैं। हरे राम हरे कृष्णा के स्वर में उनके पावन नृत्य जीवन की आत्मा को जगा रहा है। इस नृत्य में विभिन्न रंगों और धुनों का मिश्रण है, जो सभी को मोह ले रहा है और आध्यात्मिक सामरस्यपूर्ण वातावरण बना रहा है। इस आध्यात्मिक डॉक्यूमेंट्री में हमें एक विशेष साधक की अनुभवी वाणी सुनने को मिलेगी, जो हमें इस्कॉन की गहराइयों में ले जाएगी। वे हमें इस संगठन के प्रमुख सिद्धांतों, उद्देश्यों, साधना और इस्कॉन के महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। हरे कृष्णा, ये श्रीधाम मायापुर है। मायापुर मतलब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जो शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत भलो से बलराम होइलो निताई। मतलब आज से 5255 साल पहले भगवान कृष्ण जी वृंदावन मतलब उत्तर प्रदेश का मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो वृंदावन गांव है वहां पे जन्म लिए थे। तो वही कृष्ण जो गीता में उपदेश किए गए हैं, तो उपदेश केवल बातों बात बोले गए हैं, वो आचरण नहीं किए हैं। तो इसी जन्म में मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये आचरण करके दिखाने आए हैं कि कलि युग में कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए वही चैतन्य महाप्रभु ये मायापुर धाम में, जैसे यहाँ पे पहले गंगा जी है, गंगा जी आज भी बहते हैं, वो तो पहले 16 धाराओं में से बहते थे, तो उसी के कारण यहाँ पे 9 द्वीप बन गए थे, 9 आइलैंड्स। उन आइलैंड्स के जो मिडिल का जो आइलैंड्स है उसका नाम है अंतरदीप। उसी अंतरदीप का जो मायापुर गांव है, उसी गांव में एक एक द्वीप के अंदर, एक एक आइलैंड्स के अंदर कई सारे गाँव होते थे। उस गाँव में से जो बीच का जो गाँव था उसका नाम है अंतरदीप। जैसे पद्म फूल का एक कोरक होता है, अलग अलग जो पापड़ियाँ होते हैं, ऐसे 8 पापड़ी अलग अलग, और मिडिल का जो कोरक है पद्म का, उसी में महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो वही जन्म स्थान पहले लोग नहीं जानते थे, क्योंकि गंगा ने उसको बह दिया था। सो बाद में कुछ गौड़ीय आचार्यों ने उसको प्रकट किया, फिर से पुनरुद्धार किया, और इसको श्रील प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसी भक्तिचंद स्वामी प्रभुपाद ने ये जो महाप्रभु का शिक्षा है, ये जो धारा है, इसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किए। उन्होंने 70 साल उम्र में यहाँ से मतलब बंगाल से कलकत्ता से विदेश में गए थे, और अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को जो शहर है वहाँ पे गए थे ये महाप्रभु का वाणी का प्रचार करने के लिए। उसी उन्होंने 1966 में प्रारंभ किया था पूरे कृष्ण भक्ति का प्रचार विदेश में प्रचार करने का। उसी समय से उन्होंने 14 बार पूरे वर्ल्ड का परिक्रमा किया और 108 मंदिर प्रतिष्ठा किए इन्होंने। तो ये प्रभुपाद का जो हेडक्वार्टर है अभी मायापुर, यहाँ से ही पूरे वर्ल्ड का जो प्रचार प्रसार उसका मेन जो डिसीजन होता है यहाँ से लिया जाता है, जो GBC के माध्यम से परिचालित होता है। मायापुर भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक निवास स्थान अपने दिव्य प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिदिन हजारों लोग महान प्रसाद हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां वे इस आशीर्वादित अन्न का भोजन करते हैं। यहां के प्रसाद हॉल में प्रतिदिन हजारों लोग आकर्षित होते हैं। यह विशालकाय प्रसादमय भवन एक अद्वितीय स्थान है, जहां आपको धार्मिक और आध्यात्मिक एकाग्रता का अनुभव होता है।
हर दिन यहाँ बने हुए प्रसाद को लाखों लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस बड़े प्रसादमय हॉल में खाद्य वितरण का कार्य निरंतर चलता रहता है, जिसमें स्वेच्छापूर्वक सेवा करने वाले स्थानीय और दूसरे स्वयंसेवक शामिल होते हैं। यहाँ के प्रसाद को बनाने में परंपरागत विधियों का पालन किया जाता है और इसमें शुद्धता, पवित्रता और प्रेम की मिठास महसूस होती है। समृद्ध आहार विकल्पों के साथ प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्टि और पूर्णता की अनुभूति होती है। मायापुर के प्रसाद हॉल में आने वाले लोग न केवल भोजन का आनंद लेते हैं, बल्कि यहाँ एक आत्मिक संबंध का अनुभव करते हैं और सभी में भगवान के प्रेम की अनुभूति जागृत होती है। यह एक वास्तविक सामूहिक अनुभव है, जहाँ आप भगवान की कृपा और संतोष के साथ जुड़ सकते हैं और सभी भक्तों के साथ एक एकता की भावना महसूस कर सकते हैं। हम अब गौशाला की ओर बढ़ रहे हैं। यह गौशाला मायापुर में स्थित है और यहाँ हमें भगवान कृष्ण की प्रिय गौमाता के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है। गौशाला में रखी गौमाताओं को खाद्य सामग्री और प्यार से पोषित किया जाता है। यहाँ के व्यक्ति उनके संगीत और स्पर्श का आनंद लेते हैं। इस धार्मिक स्थान में गौशाला एक आदर्श संसार का प्रतीक है। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें अपने प्राकृतिक संबंधों को समझने और मान्यता का महत्व समझाने का मौका देता है। आइए हम इस मधुर संगीत और प्रेम से भरी गौशाला में खो जाएं और अपने अंतरंग आनंद का अनुभव करें। ये मानव लोग जो दुख भोग रहे हैं, जो अलग अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं, तो ये सुखी होने का उपाय है कृष्ण भावना मित को अपने जीवन में उतारना। यही साइंटिफिकली समझाने के लिए ये सोसाइटी बनाया गया है। ये सोसाइटी इसलिए बनाई गई फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर व्यक्ति को कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाया जाएगा तो वो सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्णा। जहाँ प्रेम, शांति और आनंद का संगम होता है, वहाँ है मायापुर इस्कॉन धाम। यह अनुभव स्वयं जीने के लिए आपको आमंत्रित करता है। चलिए आइए इस अद्वितीय धाम की गहराइयों में खो जाएं और अपने जीवन को इस पवित्र स्थान के प्रभाव से परिपूर्ण करें। हरे कृष्ण।